हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री क्लास सिक्स का फर्स्ट स्टोरी, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी। टेल मीन्स होता है कहानी या स्टोरी। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माँ पक्षी और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। माँ पक्षी की एक तूफान में मौत हो गई और उसके दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। प्रत्येक को अलग घर मिला। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। एक लंबे छायादार पेड़ में उनका एक घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ माँ पक्षी अपने दोनों छोटे बच्चों का दिन रात देखभाल करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain. And the wind blew down many trees. एक दिन वहाँ एक बड़ा तूफान आया। बादल गरजा, बिजली कड़की और बारिश हुई। और हवा बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया। The tall tree in which the birds lived also came down. ऊंचा पेड़ जिसमें पक्षी रहते थे वह भी नीचे आ गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा भारी शाखा घोंसले को नष्ट कर दिया और चिड़िया की मौत हो गई। Fortunately for the baby birds, the storm wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. नन्हे पक्षियों के सौभाग्य से तेज हवा ने उन्हें जंगल की दूसरी ओर उड़ा दिया। उनमें से एक गुफा के पास नीचे आया, जहां लुटेरों का एक झुंड एक गिरोह रहता था। दूसरा एक ऋषि के आश्रम के बाहर थोड़ी दूरी पर आ गया। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. दिन बीते और छोटे चिड़िया बड़े हो गए। एक दिन देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। वह एक हिरन देखा और उसका पीछा किया। राजा गहरे जंगल में दौड़ते हुए उसका पीछा किया। जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया और नहीं जानता था कि वह कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Came and take his jewels and his horse, hurry, or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वह जंगल के दूसरी तरफ आने तक काफी देर तक दौड़ता रहा। अब तक वह थक चुका था।
वह अपने घोड़े से उतर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो एक गुफा के पास स्थित था, या गुफा के पास वह पेड़ खड़ा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जल्दी करो जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है, आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो, जल्दी करो वरना वह फिसल जाएगा या हाथ से निकल जाएगा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह ऊपर देखा, वह पेड़ पर एक बड़ा भूरा पक्षी देखा जिस पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था। वह गुफा से आने वाली हल्की हल्की धीमा धीमा शोर को भी सुना। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितनी जल्दी भाग सकता था वहां से भाग गया। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। राजा फिर से वैसी ही आवाज सुनकर चकित रह गया। ही केम टू नो द बर्ड्स टू स्टोरी। उसे चिड़ियों की असली कहानी का पता चला। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वे ऋषि से मिले जिन्होंने प्रत्येक बर्ड के व्यवहार को उन्हें समझाया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. जल्दी ही वो एक ऐसी जगह पहुँचे जो आश्रम जैसा दिखाई देता था। यह ऋषि का आश्रम था। राजा अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया के नीचे बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself aloud. अचानक वह एक सौम्य आवाज को सूचना देते हुए सुना। आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, कृपया अंदर जाइए और आराम करिए, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। बर्तन में कुछ ठंडा पानी है, कृपया खुद को आराम दीजिए। राजा ऊपर देखा और पेड़ पर एक बड़ा भूरा पक्षी देखा। वह आश्चर्यचकित था। यह तो गुफा के बाहर वाले दूसरे पक्षी की तरह दिखता है। वह खुद से तेजी से बोला, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then, the rishi entered the ashram. "आप सही हैं श्रीमान," पक्षी उत्तर दिया। "वह मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों के साथ दोस्ती की है। अब वह बोलता है जैसा वे करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता है." तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश किए। "वेलकम सर," ही सेड टू द किंग, "प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड." "स्वागत है श्रीमान," वो राजा से बोले, "कृपया अंदर आइए और खुद को घर पर ही रखिए। आप थके हुए दिखाई पड़ते हैं, थोड़ी देर आराम करिए, फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं." द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, दो दे लुक्ड सो अलाइक. "द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज," ही सेड। राजा ऋषि को दोनों चिड़ियों की कहानी सुनाए।
और कैसे प्रत्येक का व्यवहार इतना अलग था, यद्यपि वो देखने में तो बिल्कुल एक जैसे थे। जंगल विस्मय से भरा हुआ है, वे ऐसा बोले। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स। ही इमिटेट्स देम and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. पवित्र आदमी मुस्कुराया और बोला, आखिरकार किसी को उसके साथ के वजह से ही पहचाना जाता है। जैसी संगति वो रखता है वैसा ही उसे भी जाना जाता है। वह चिड़िया हमेशा ही लुटेरों की बातें सुना है। इमिटेट्स मीन्स होता है नकल करना या कॉपी करना। वह उनकी और लुटेरे आदमियों की बातों का नकल करता है। यह हमेशा यही दोहराता है जो हमेशा सुनता है। यह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। आप अंदर आइए और आराम करिए। मैं आपको इस जगह और इन चिड़ियों के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमेशा अच्छे लोगों का ही संग करना चाहिए, क्योंकि हमारी संगति जैसी होगी हम वैसे ही बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा? आप